नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी में कीर्ति लेकर हाजिर हूं। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेट्रोल के दाम में आज फिर इजाफा, डीजल भी महंगा, पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे बढ़ी। दिल्ली में गर्मी से कुछ राहत, उत्तर भारत में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान। यूपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में बीजेपी का दबदबा, सीएम योगी बोले 22 में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र के पालघर में भारत केमिकल्स प्लांट में विस्फोट, कई लोग हुए घायल। सोनभद्र में रफ्तार बनी काल कार और मैजिक में भीषण टक्कर, हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल। डाला वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे सभी लोग। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या दौरे पर अपर मुख्य सचिव सिंचाई, वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जनपद के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश रहेंगे साथ। 4 बजे गोरखपुर के लिए होंगे रवाना। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्य सचिव पहुंचे। अयोध्या दौरे पर है, बता दें वृक्षारोपण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उसके बाद शाम 4 बजे वो निकलेंगे, लेकिन जनपद के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश भी मौजूद रहे। गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे 4 बजे, गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। वही अगली बड़ी खबर चित्रकूट से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा आज, हेलीकॉप्टर से देवांगना हाईवे पट्टी पहुंचे। राम भवन गमन वाटिका में किया पौधारोपण। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय रहे मौजूद। सांसद और विधायक आनंद शुक्ला भी रहे मौजूद। तो चित्रकूट से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा, हेलीकॉप्टर से देवांगना हवाई पट्टी पहुंचे। राम वन गमन वाटिका में किया पौधारोपण। वहीं अगली बड़ी खबर सोनभद्र में रफ्तार बनी काल, बड़ी खबर सोनभद्र से, कार और मैजिक में भीषण टक्कर, हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। डाला वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे सभी लोग। वाराणसी से सोनभद्र की तरफ आ रही थी दोनों गाड़ियां। रावट्सगंज के सुकृत बैजू बाबा मंदिर के पास का हादसा, तो सोनभद्र में मैजिक और कार की टक्कर, हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ा हादसा। मैं इस खबर पर रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अभी क्या स्थिति देख पा रहे हैं? 19 लोग घायल है, उनकी क्या स्थिति देख पा रहे हैं? क्या और भी लोगों के घायल होने की कोई सूचना भी प्राप्त हो रही है? जी नहीं, उसमें जिनकी स्थिति सीरियस है उनको वाराणसी भेजा जा रहा है। और ये घटना 4:30 बजे भोर की है, सुकरू चौकी के बैजू बाबा मंदिर के पास की घटना है। और दोनों गाड़िया वाराणसी से शक्तिनगर तक आ रही थी, जिसमें मैजिक से जो लोग आ रहे थे डाला वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, तो अभी क्या स्थिति देख पा रहे हैं तमाम घायलों की? उनका किस तरह, क्या ज्यादा गंभीर रूप से जो घायल है उन्हें कहीं और रेफर भी किया गया है रविंद्र? ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? कुछ लोगों को रेफर किया जा रहा है कि और लोगों का जिला अस्पताल पे इलाज चल रहा है। जिनकी स्थिति सीरियस है उनको वाराणसी के लिए रेफर किया जा रहा है। तो बड़ा हादसा, 19 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर घाटमपुर से सामने आ रही है। दो कारों में हुई जोरदार भिड़ंत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को कानपुर के हैलेट किया गया रेफर। घाटमपुर थाना क्षेत्र के रूपनगर की घटना, बड़ी खबर। घाटमपुर में भी एक सड़क हादसा, दो कारों की जोरदार टक्कर हुई है।
तो आधा दर्जन लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को कानपुर के हेलेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वही अगली बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। दो दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 150 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। महायोगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दो दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 150 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत का यूपी दौरा। महोबा बांदा के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह रहेंगे साथ। विभागीय परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। तो एक एक दिन के दौरे पर यूपी आए हुए बांदा एक दिन के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और महोबा भी जाएंगे। तो दोनों जगह एक एक दिवसीय दौरा रहेगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह भी साथ रहेंगे जल शक्ति मंत्री। यूपी के विभागीय परियोजनाओं का भी करेंगे निरीक्षण। साथ ही साथ तमाम केंद्रीय जल शक्ति शेखावत का यूपी दौरा। ये अगली बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज पहुंचेंगे बचरावा। 12 बजे नगर पंचायत सभागार में करेंगे बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। 1:30 बजे सीएससी में दवा किट का करेंगे वितरण। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज बचरावा जाने वाले हैं, वहां पे सीएससी का निरीक्षण करेंगे। 12 बजे पंचायत सभागार में भी बैठक करेंगे। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। बीते 1.5 साल से कोरोना नए नए स्वरूप के साथ न सिर्फ ज्यादा संक्रामक हो रहा है बल्कि इसके लक्षण भी बदलते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों में पता चला है कि इन दिनों दुनिया भर में तेजी से फैलते डेल्टा स्वरूप से संक्रमित लोग पिछले 4 साल उभरे कोरोना के शुरुआती लक्षणों से अलग अनुभव कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों से पता चला है कि जिसे हम मामूली सर्दी जुकाम समझ रहे हैं वो भी अब कोरोना का लक्षण हो सकता है। माना जा रहा है कि एक ही वायरस इंसानों में कई तरीके से नए नए संकेत और लक्षण पैदा कर सकता है। उनका कहना है कि वायरस से होने वाली बीमारी 2 अहम कारणों पर निर्भर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका आज अपने स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ मना रहा है। साल 1776 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद से अमेरिका में हर साल 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में अवकाश रहता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे पर परेड और बारबेक्यू का आयोजन किया जाता है। अमेरिकी वासी इस दिन लाल सफेद और नीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। इसके अलावा अमेरिकी इतिहास और परंपरा में आतिशबाजी को स्वतंत्रता दिवस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कोरोना में भारत में लगातार मामले घट रहे हैं लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा अभी भी बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। बता दें कि 27 जून से लगातार 50,000 से कम नए कोरोना के केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 43,071 नए कोरोना केस आए और 995 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 44,111 नए केस दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 92 दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले से ज्यादा रिकवरी हुई है। 3 जुलाई तक देश भर में 35,12,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 67,87,000 टीके भी लगाए गए हैं। वहीं अब तक करीब 42 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगा ली। दुष्कर्म का आरोपी 2016 से जेल में बंद था और जिला जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इसके बाद उसने अस्पताल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
राम मरण नाम का एक युद्ध था साल का है, और ये 2016 से जेल में था ये बलात्कार के मामले में। आज कल इसकी कुछ तबीयत खराब हुई थी, इस वजह से इसको अस्पताल लाया गया था, और आज करीब 4:30 बजे ये लैट्रिन जाने के लिए गया, और जो इसके पैजामे की नारा था उसी से वहाँ पर उसने जगने से सुसाइड किया। इस संबंध में तत्काल चौकी जाए अस्पताल और तो दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाई। हालांकि कारण क्या रहे यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजहों के चलते आरोपी ने यह कदम उठाया, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बता दें कि तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आरोपी ने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। तो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। रायबरेली से बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं। मैं इस खबर पर संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दुष्कर्म के आरोपी ने किन वजहों के चलते फांसी लगाई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, वजह स्पष्ट हो पाई है अभी तक? देखिए, ऐसा 2016 से दुष्कर्म का आरोपी रायबरेली जेल में बंद था, जिसके चलते कहीं ना कहीं कोरोना काल में लोगों से मुलाकात, परिजनों से मुलाकात न होने के कारण ये अवसाद में था। बीते 15 दिनों से जेल में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन हालात बिगड़ने पर इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ये शौचालय जाने की बात करने के नाम पे अंदर से दरवाजा बंद करके पैजामे के नारे से इसने फांसी लगा ली है। बाद में सिपाहियों को जब शक हुआ तो दरवाजा तोड़कर जब देखा इसने तो ये फंदे से लटका हुआ मिला, और इलाज के दौरान इसकी मौत भी हो गई। ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में दो गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हुए पुलिस को घटना की जानकारी भी दे दी गई है। तो बता दें, कई लोग सोनभद्र में दो गाड़ियों की टक्कर की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जौनपुर के बदलापुर निर्माणाधीन फोर लेन पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, और अस्पताल ले जाते समय तीनों ने दम तोड़ दिया। वहीं गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बारे में राहगीरों ने पुलिस को सूचना दे दी है। गर्मी आते ही आम के दीवानों के दिल खिल जाते हैं। आमों के शौकीन फलों के राजा के अलग अलग किस्म का स्वाद चखने के लिए बेताब रहते हैं। मगर अगर हम कहें कि आप आम के दीवाने एक ही पेड़ पर कई किस्मों का स्वाद ले सकते हैं, तो ये आपने सपने से आपको कम नहीं लगेगा। पर यह सपना सच कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश के हॉर्टिकल्चरिस्ट ने, क्या है ये अनोखा पेड़ और क्या है पूरी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आम का अजब गजब पेड़, ये आम नहीं है आम, पेड़ एक पर फल अनेक, अजब पेड़ की गजब कहानी। आज भी आम की बात होती है तो आम की किस्मों की बात भी होती है। कोई लंगड़े आम की कहानी बताता है तो कोई दशहरी, चौसा और अलग अलग आमों के किस्म की बात करता है। अलग अलग शहरों में आम के किस्से सामने आते हैं। वहीं अलग अलग शहरों में फेमस आम को सभी लोग चख नहीं पाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम का एक ऐसा पेड़ है जिस पर आपको एक साथ कई वैरायटी के आम का स्वाद मिल जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, सहारनपुर में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जहां 121 किस्म के आम उगते हैं।
ये पेड़ सहारनपुर के कंपनी बाग इलाके में लगाया गया है। वैसे तो ये पेड़ 15 साल का हो गया है, लेकिन करीब 5 साल से हॉर्टिकल्चरिस्ट इस पेड़ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिससे नई तरह की वैरायटी को शुरू किया जा सके। जानकारी के अनुसार बागवानी और प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त निदेशक भानु प्रकाश राम ने बताया कि कंपनी बाग में करीब 5 साल पहले यह अनूठा प्रयोग किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य आम की नई किस्मों पर शोध करना था। उन्होंने बताया कि देसी आम के पेड़ की शाखाओं पर विभिन्न प्रकार के आमों की कलम लगाई गई, जिसके बाद पेड़ की देखभाल के लिए अलग से नर्सरी प्रभारी भी नियुक्त किया गया। मेरा नाम भानु प्रकाश राम, संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण सहारनपुर। ये जो है आम को शौकीन है खाने वाले, कि हर प्रजातियों का हमें लुत्फ मिले, उसको देखते हुए हमारे वैज्ञानिकगणों ने इसका एक्सपेरिमेंट एक डाला कि एक पेड़ पर कैसे हम विभिन्न प्रजातियों के जो है फलों का कर सकते हैं, कलम बांध सकते हैं, जिससे तैयार हो सके। तो हमारे यहाँ बहुत पहले पुरानी विधि थी भेंट कलम। तो भेंट कलम में बिज्जू को जो है हम मदर प्लांट के पास लेकर जाते थे, वहीं उसको टहनी झुका कर बांधते थे, तो उसमें टाइम लगता था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के अथक मेहनत से सिर्फ टहनी ही ला कर बांध देते हैं मदर प्लांट से, हू बहू वहीं चाहे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, मल्लिका हो, उसका स्वरूप उस पर आ जाता है। बीजू किसी और का होता है, लेकिन उस पर जो टहनी बांधते हैं वो प्रजाति हमारे पास आ जाती है। तो उसी को देखते हुए इस प्रजाति का जो है एक पेड़ पर जो 121 प्रजाति का यह हुआ है। इससे फ़ायदा तो कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन आम के जो शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि हमको अधिक से प्रजातियों का कम जगह में हमको खाने को मिल जाए, स्वयं के खाने के लिए किचन गार्डन में लगाना है, अपने फार्म हाउस में करना है, तो उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। ये 15 साल का है, ये सब प्रजातियाँ बांधने में कम से कम 10 साल लगे हैं। जैसे पौधे ग्रोथ होता गया, टहनियाँ मिलती गई, उसे हमारे वैज्ञानिकगण बांधते रहे। आगे भी इस पर जो इस साल टहनियाँ निकली हैं, उस पर भी जुलाई अगस्त में हम जो है अन्य प्रजातियों का जो हमारे पास है उसकी हम बधाई करेंगे। हाँ, नई प्रजातियाँ जैसे सूर्या है, आपका अंबिका है, पूसा श्रेष्ठा है, पीताम्बरा है, इन सब का भी हम इस पर जो है करेंगे। भानु प्रकाश राम की मेहनत का ही नतीजा है कि अब इस पेड़ पर एक दो नहीं बल्कि 121 किस्म के आम लग रहे हैं। इस पेड़ पर दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेल, आम्रपाली, सहारनपुर वरुण, सौरभ, सहारनपुर गौरव, राजीव आदि शामिल हैं। इसके अलावा इस पेड़ पर नायाब लखनवी सफेदा, कलमी मालदाह बॉम्बे, आलमपुर बेनिशा जैसे आम भी शामिल हैं। वहीं इस पेड़ पर मौजूद सभी किस्मों की जानकारी पास ही लगे बोर्ड पर अंकित भी की गई है। बता दें कि इससे पहले भी सहारनपुर में आम का काफी ज्यादा उत्पादन होता आया है और फलों पर कई एक्सपेरिमेंट भी किए जा चुके हैं। इसी वजह से इस पेड़ पर भी रिसर्च की गई और अभी भी इस पर नई वैरायटी को लेकर रिसर्च जारी है। वहीं अब नई प्रजातियों पर शोध कार्य भी चल रहे हैं, जिससे आगे आने वाले वक्त में और बेहतर किस्म के आमों की पैदावार की जा सके। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, देखते रहिए प्राइम टीवी।